बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल आलफोन फिक्स पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज हमारे पास है इन्फिनिक्स नोट 12, इन्फिनिक्स नोट 12 है, मॉडल नंबर है X670। तो इसका LED पैनल चेंज करना है। न्यू LED पैनल मेरे हाथ में है, आपने देखा पुराना वाला पैनल डैमेज है। तो तकरीबन 4 मिनट की वीडियो है, मुकम्मल वाच कीजिए, मुकम्मल प्रोसेस तरीक़ेकार। आप इस वीडियो में देखेंगे कि इन्फिनिक्स नोट 12 की LCD किस तरह चेंज होती है, LED पैनल है इसका। तो हमने सबसे पहले इसका बैक कवर बैक साइड से सेपरेटर मशीन पर हीट किया, उसके बाद एक्सरे पेपर कड़क पेपर की मदद से बैक कवर को हमने उतार कर रख दिया साइड पर। कैमरा ग्लास के साइड पर जो एक कवर था कैमरों का, वो भी हमने साइड पर रख दिया। अब मदरबोर्ड के और नीचे वाली साइड के तमाम स्क्रू खोल लेंगे, सिम ट्रे बाहर निकाल ली, और जो प्लास्टिक का इसका ये फ्रेम है कड़ा, जिसको कड़ा भी कहते हैं, इसको भी उतार कर साइड पर रख देते हैं। बैटरी के रिबन को डिसकनेक्ट कर दिया और पैनल वाली रिबन को भी डिसकनेक्ट कर दिया। अब हमने बैटरी को बाहर निकालना है, बैटरी को बाहर निकालते हैं। और अब हमने डैमेज LED को यानी कि डैमेज स्क्रीन को बाहर निकालना है, बड़ी ही एहतियात के साथ, क्योंकि इसका फ्रेम प्लास्टिक का है, फ्रेम को किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचे। मोबाइल को फ्रंट वाली LED वाली साइड से हमने सेपरेटर मशीन पर हीट किया, गरम किया। गरम करने के बाद इस कड़क पेपर की मदद से हम डैमेज LED को बाहर निकालते हैं और फ्रेम की अच्छे तरीके से सफाई करते हैं। डैमेज LED बाहर निकल चुकी है, फ्रेम की अच्छे तरीके से सफाई कर लेते हैं। ये जिस मशीन से मैं सफाई कर रहा हूँ, इसे कहते हैं गम रिमूवर मशीन। तो इसकी मदद से हम बिल्कुल जो इसके ऊपर गम है, डस्ट है, कचरा वगैरह, बिल्कुल क्लियर करेंगे, फ्रेम को चमकाएंगे, फ्रेम की सफाई बेहतरीन होगी, तो नई LED पैनल की फिटिंग भी अच्छी होगी। तो फ्रेम अच्छे तरीके से साफ़ हो चुका है और अब फ्रेम पर लगा लेते हैं गम। तो गम लगा लेते हैं, इसके बाद हमने ये LED पैनल लगाना है। बहुत बेहतरीन इसकी ब्राइटनेस है, कलर है, चलने में भी स्मूथ है, और बेहतरीन क्वालिटी का ये पैनल है, इन्फिनिक्स नोट 12 का ये पैनल है जो हम चेंज कर रहे हैं। तो इसके ऊपर जो सीलें वगैरह लगी हैं, पन्नियाँ लगी हैं, वो उतार लेते हैं और पैनल को फ्रेम के अंदर बिठाते हैं, फिट करते हैं। आखिर में इसका रिज़ल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका कलर कैसे हैं, ब्राइटनेस कैसी है और चलने में कैसा है। तो फ्रेम के अंदर हमने LED पैनल को बिठा दिया, नीचे वाली साइड से पहले बिठाया, अब ऊपर वाली साइड से पूरा फ्रेम के अंदर बिठा दिया, पैनल को फिट कर दिया। हल्का हाथ ऊपर से प्रेस करेंगे ताकि पैनल अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाए फ्रेम के अंदर। पैनल की रिबन को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट कर दिया, बैटरी रख दी, बैटरी की रिबन को भी हमने मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट कर दिया, और अब प्लास्टिक का कड़ा जो साइड का था वो लगा दिया, तमाम स्क्रू लगा देते हैं, और तरतीब के मुताबिक जिस तरह हमने खोला था उसी तरीके से इसे पैक करते हैं। तो मोबाइल रिपेयरिंग के हवाले से किसी किस्म की आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0347021-0228। कराची सदर अम्मा टावर में हमारी मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है। तो मोबाइल ऑन हो चुका है, देखें आप इसका रिज़ल्ट और चेक भी करें। इसी तरह की बेहतरीन वीडियोज़ आपको हमारे चैनल आलफोन फिक्स पर मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।